गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर इलेक्ट्रो पोटेंशियल। इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि एग्जांपल है वो ले लेते हैं और उसके थ्रू हम पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पर जिंक रॉड ले ली है और यहाँ पर इसी जिंक का ही हम क्या लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है वो ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ZnSO4 लिया, ये जिंक की रॉड हो गई यहाँ पर। अब हमने अगर जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के अंदर है वो डिप कर दिया, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जैसा कि जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मेटल है, इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा कि इसमें से जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रॉड पर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे और जो Zn+2 है वो निकल कर कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर है वो आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर रॉड के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाएगा और बाहर की तरफ है वो कहाँ क्या आते रहेंगे, वहाँ पर Zn+2 है वो आते रहेंगे, मतलब जो Zn+2 आयंस है वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। और रॉड पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, E- मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो मिल रहे हैं और एक जिंक एटम है वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने में से लूज है वो कर रहा है। और वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि एक दो ही जिंक एटम होंगे, ऐसे खूब सारे वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर एटम्स होंगे और जो ये सारा यही काम है वो कर रहे होंगे। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रॉड के ऊपर अरेंज हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके बता देती हूँ आपको कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर अरेंज्ड है। अब यहाँ पर चार्ज क्या है, E-। अब ये क्या करेगा कि माइनस जो है वो सॉल्यूशन में से जो Zn+2 है उनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, Zn+2 आयंस इधर आ गए और इधर की तरफ क्या आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो आ गए। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नाम देंगे। मैं वापस बता देती हूँ, जिंक रॉड है, जिंक की जो नॉर्मल जो टेंडेंसी होती है, इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रॉड पर ही रह जाएंगे, Zn+2 सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पर अरेंज हो गए, ये सॉल्यूशन में से Zn+2 को क्या करेंगे, अट्रैक्ट है वो करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर दो लेयर्स आ गई और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नाम देंगे। बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमने बस इतना करना है कि भाई अगर हम किसी भी, अभी तो जैसे हमने जिंक के रिस्पेक्ट में समझा, अगर हमें नॉर्मल जनरल बताना है तो हम क्या बताएंगे कि अगर हम किसी भी मेटल की रॉड को उसी के वहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर, मतलब या हम कह सकते हैं उसी के इलेक्ट्रोलाइट में अगर डिप करते हैं, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देते हैं। बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर और इतना ईजी वे में मैंने आपको बताया है किस तरीके से लेयरिंग हो रही है, इन दो लेयरिंग के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, वहां पर पोटेंशियल जो इसको हम कहेंगे यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, यहां पर मैंने डिफरेंस लिख दिया, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब है वो हो कितने टाइप का सकता है, तो ये दो टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि कितने टाइप का हो सकता है, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। पहला तो होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होगा यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल। पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की पहले हम रिएक्शन देख लेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल की पहले वहाँ पर रिएक्शन है वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट है वो कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब, जैसे मैंने कल भी बताया था याद रखने के लिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कि अगर यहाँ पर Zn है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। तो हमने सिंपली ये रिएक्शन है वो लिख दिया, यहाँ पर Zn है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 के अंदर और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा, रिक
और ऑयल, ये कल मैंने आप लोगों को ट्रिक्स है वो बताई थी याद रखने के लिए। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा इन जिंक। अब अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन अगर लिखना चाहें तो वो किस तरीके से लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोड का मतलब तो हो गया ई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम यूज करेंगे सिंबल ई। अब यहाँ पर इसको हमें बताना है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है जेड एन प्लस टू के अंदर, तो पहले इसको लिखना है ठीक है, फिर बाउंड्री फेज आ जाएगी और उसके बाद में आ जाएगा जेड एन प्लस टू। इसका मतलब है कि जेड एन किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन प्लस टू में कन्वर्ट। बहुत सिंपल है, यहाँ पर पहले वो लिखेंगे जो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट की फॉर्म में है वो दे रखा है, तो वो हमने लिख दिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट इसका क्या बन रहा है वो बाद में आएगा। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर पहले रिएक्टेंट आएगा देन प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पर भी हमें सेम वैसे ही करना है। पहले यहाँ पर हमने जेड एन लिखा, फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो लिखा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। अब अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की यहाँ पर बात करें तो वही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ई लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले क्या है, जेड एन प्लस टू, फिर हमने बाउंड्री फेस बनाया और उसके बाद में हमने लिख दिया जिंक। इसका मतलब है कि जेड एन प्लस टू इज कन्वर्टिंग इन टू जेड एन, मतलब जो प्लस टू है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके वहाँ पर जिंक के अंदर है वो कन्वर्ट है, वो हो रहा है। तो यहाँ तो हमने पोटेंशियल कितने टाइप के देखे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। पर IUPAC जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ज़्यादा जो प्रेफरेंस जो दी गई है वो दी गई है वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल को है वो दी गई है। उन्होंने कहा है कि भाई जो रिडक्शन जो पोटेंशियल है इसी को है वो इम्पोर्टेंस है वो दी जाए। तो वहाँ पर जितनी भी जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ है जो मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों को ट्रिक कि भाई आप किस तरीके से याद है वो कर सकते हो, तो उसमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड वर्ड यहाँ पर आ गया है, तो स्टैंडर्ड वर्ड का वैसे नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर तो जो स्टैंडर्ड वर्ड है तो वहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहता है और साथ ही साथ जो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उन कंडीशंस के अंदर वहाँ पर जो भी चीज़ मेजर की जाती है उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हमको एक्स्ट्रा यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मतलब आयंस कहाँ से आए, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो आयंस है वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं वहाँ पर, तो उनके अंदर जो आयंस हैं और उनकी कंसंट्रेशन अगर वहाँ पर हम यूनिटी मान के चलते, यूनिटी का मतलब है कि वन मतलब वहाँ पर वन मोलर कंसंट्रेशन है वो हो सकती है। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन है इज यूनिटी देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड, ये मैंने कॉल्ड लिखा है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर, SEP लिख दिया यहाँ पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो अभी मैंने बताया कि जो यहाँ पर IUPAC जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग IUPAC के हिसाब से वहाँ पर जो SEP है वो किसके क्या माना जाए, SRP ही माना जाए, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही वहाँ पर यहाँ पर क्या माना जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दे रखी है वहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल को है वो ज़्यादा वैल्यू है वो दे रखी है IUPAC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो SEP होगा मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, SRP होगा, मतलब वहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही SEP है वो माना जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब हम देख लेते हैं कि हम फाइंड है वो कैसे कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल को या स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है उनको हम कैसे फाइंड है वो कर सकते हैं। छोटे से जो फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में है वो क्वेश्चंस इनके ऊपर से आते हैं और ये हमें पता होने चाहिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल का क्या मतलब है, यहाँ पर
सेल, पूरी जो सेल है वो बनती कैसे है, दो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो हाफ सेल्स हमको देखने को मिली, टू हाफ सेल्स। अब उसमें से एक तो हो गया यहाँ पर एनोडिक, एनोडिक हाफ सेल, और दूसरा यहाँ पर हो गया कैथोडिक हाफ सेल। ये दो हाफ सेल्स है वो है हमारे पास में। अब इन दो हाफ सेल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दो हाफ सेल्स मतलब जो दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स हमारे पास में हैं, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वहाँ पर सेल पोटेंशियल कहलाता है। बहुत मतलब रटने का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस आपको समझना। अगर आपने रटने की कोशिश करी तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आपको एकदम दिमाग में क्लियर रखना है। कल मैंने जो गैल्वेनिक जो सेल का डायग्राम आपको बताया था, या डेनियल सेल मैंने जो आपको उसी का जो हम पढ़ रहे थे इतनी देर से, तो कॉपर और जिंक के जो कंटेनर वहाँ पर थे, तो उसका जो जिंक वाला जो कंटेनर था, कंपार्टमेंट था, तो वो था हमारा एनोडिक हाफ सेल, और जो कॉपर वाला कंपार्टमेंट था वो था कैथोडिक हाफ सेल। अब इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एक पर तो हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पर रिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा ही। तो वो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, वहाँ पर सेल पोटेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ पर एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल हमने यहाँ पर लिख लिया, और इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल्स इज नोन एज, इज नोन एज सेल पोटेंशियल। उसी को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर सेल पोटेंशियल है वो नाम है वो देंगे। तो एक हाफ सेल ये हो गया, दूसरा हाफ सेल ये हो गया, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर सेल पोटेंशियल है वो नाम है वो देंगे। अब यहाँ पर अगर हमें बताना है कि भाई सेल पोटेंशियल हमें पता चल गया कि भाई क्या होता है, पर अब हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई सेल, मतलब सेल पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमने क्या लिख दिया, ई सेल है वो लिख दिया। अब ई सेल का जो फॉर्मूला है वो ये होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होगा यहाँ पर फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको मतलब अलग अलग फॉर्म में भी ये फॉर्मूले हैं वो नजर आ सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे कि जो कैथोड है वो कौन सी साइड में होता है, कल मैंने आपको याद करा रहा था CRR, तो कैथोड राइट साइड रिडक्शन, और एनोड के लिए याद कराया था आलू, याद होगा, तो एनोड लेफ्ट साइड और ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट पूरा नहीं लिखकर, या तो आप पूरा लिख सकते हो या फिर आर है वो लिख सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। ई राइट माइनस ई लेफ्ट है वो हो गया, शॉर्ट में लिखना चाहो तो ई आर माइनस ई एल है वो लिख सकते हो आप। तो राइट साइड मतलब जो राइट साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैथोड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड के अंदर एनोड है वो प्रेजेंट होगा। तो हम एक और तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट है वो कर सकते हैं। तो हो सकता है बुक के अंदर आपको ई कैथोड माइनस ई एनोड की जगह क्या लिखा हुआ मिल जाए, ई राइट माइनस ई लेफ्ट है वो मिल सकता है वहाँ पर लिखा हुआ। एक और तरीका हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें पता है कि भाई कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन है वो होता है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन है वो हो गया। तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, उसको रिप्रेजेंट है वो कर सकते हो कि भाई कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है और ई पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन है वो, लेफ्ट साइड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट है वो कर सकते हैं। तो ये तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर सेल पोटेंशियल की। अगर हमें यही चीज है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ई नॉट सेल लगा देंगे। इसका मतलब है कि अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है वो 1 यूनिटी रखा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मिलेगा, तो वो मिलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो सेल पोटेंशियल है तो ई नॉट सेल कर दिया। अब यहाँ पर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो गया, यहाँ पर ई नॉट राइट या
माइनस ई नॉट लेफ्ट हो गया, और वी कैन से ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन है वो हम है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमने किसके फॉर्मूले बना लिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के फॉर्मूले बना लिए, जो हमने किसे रिप्रेजेंट किए यहाँ पर, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब हो गया यहाँ पर इस तरीके से ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से हमने ये चीज़ है वो फाइंड है वो कर ली यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें जो पहला जो टाइप हम ले रहे हैं वो है यहाँ पर कि अगर आपको इस तरीके से रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि जो सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है, गैल्वेनिक सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको करके बताना है, तो एक क्वेश्चन का टाइप तो ये है जो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ZN यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 के अंदर, इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर रहा है। वही यहाँ पर COSO4 है वो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर CO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर यही हम इतनी देर से डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर एग्जाम्पल भी हमने यही लिया था, तो इसी को हम पहले देख लेते हैं कि अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हमें करना है तो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब, वैसे पहले मैं इनिशियली आपको दो कंपार्टमेंट है वो बनाकर बता देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर होगा ऑक्सीडेशन और इधर होगा रिडक्शन, और जहाँ पर लेफ्ट साइड है वो हो गया एनोड और इधर हो गया कैथोड, और बीच में यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है वो किसको प्रेजेंट करेगी, यहाँ पर बी मतलब सॉल्ट ब्रिज को है वो रिप्रेजेंट है वो करेगी। तो ये कल तक हमने पढ़ लिया था, आज हम इसको करके देखेंगे किस तरीके से होंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ZN किस में कन्वर्ट हुआ, ZnSO4 के अंदर। तो यहाँ पर हमने बनाया बाउंड्री फेस ZnSO4, देन पैरेलल लाइन, सॉल्ट ब्रिज आ गया यहाँ पर, फिर CuSO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर एक्वस है वो लिख दोगे आप, और यहाँ पर जैसे बाउंड्री फेज बनाई है तो ये सॉलिड फेज के अंदर है, यहाँ पर ये एक्वस आ गया, फिर बाउंड्री फेज आ गई और Cu के अंदर सॉलिड फेज के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, यहाँ पर बाउंड्री फेज बनाया, ये आ गया ZN+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड हमें इसको लिखना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और एनोड, ठीक है। तो अगर हमें पहले ये चीज़ पता चल जाए कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो उठाकर उसको लेफ्ट साइड में लिख दो वहाँ पर। फिर हमने सॉल्ट ब्रिज बना लिया, उसके बाद में यहाँ पर CuSO4 का मतलब +2 हो गया, फिर बाउंड्री फेस बनाया और ये CU आ गया। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हमने क्या कर लिया कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो रेडी है वो कर लिया इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी है वो बहुत आसान है, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से ही हमें करना है। ये चीज़ बस अपने दिमाग में रखो आप, इसको मैं रब नहीं कर रही, इसको यहीं पर रख रखा है, जिसे आप लोग भी मेरे साथ साथ में हैं वहाँ पर कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वापस ZN किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4 के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है एज इट इज़ मोर रिएक्टिव, और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पहले तो आप यहाँ पर लिख दो ZN ZSO4 में कन्वर्ट हुआ, फिर आया सॉल्ट ब्रिज, फिर H2SO4 में, बार बार एक्वस और वो सॉलिड नहीं लिख रही हूँ, आप लोग उसको जरूर लिखिएगा, H2SO4 है वो कन्वर्ट हो रहा है H2 के अंदर, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है आयंस की फॉर्म के अंदर तो हम किस तरीके से करेंगे, तो ZN फिर बाउंड्री फेस +2। अब यहाँ पर जो H2 है, अब इसके अंदर जैसे H2SO4 की अगर हम बात करें तो H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन के दो आयंस हैं, तो उसको आयनिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2H+। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2 आगे आएगा, H2 आयन की फॉर्म के अंदर नीचे है वो नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर बाउंड्री फेज आया और ये 2H+, ये दो अलग अलग H+ है वो जब कंबाइन होंगे तो वहाँ पर किस में बदल जाएंगे, H2 के अंदर बदल जाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए
और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कौन कर रहे हैं, दो अलग अलग हाइड्रोजन है वो गेन करके फिर वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस है वो बना रहे हैं। तो ये नेक्स्ट हो गया यहाँ पर क्वेश्चन जिसके अंदर हमने रिप्रेजेंट किया इसको। अब उससे नेक्स्ट हम ये लास्ट क्वेश्चन है एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक शो हो रहा है कि भाई ये हमारा हो गया एनोड और ये जो चीज़ है वो हो गई यहाँ पर कैथोड, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन। बहुत सिंपल तरीका है आपके दिमाग में, अगर रिएक्शन अगर आपने सही वहां पर पकड़ ली, रिडॉक्स आपने पता लगा लिया कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तब तो फिर आगे कोई गलती नहीं होगी। बस यहां पर इस चीज का जरूर आप ध्यान रखना कि भाई हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस है वो जरूर हो जाने चाहिए यहां पर, ऐसा नहीं है कि उसमें आप कहीं गड़बड़ कर दो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहां पर Fe है वो Fe Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है और SN Cl2 SN में जा रहा है, तो इसका मतलब इसका तो हो गया रिडक्शन। और ये Fe से हमेशा ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोगों ने पढ़े हैं तो जो अपनी मतलब नॉर्मल फेज में न्यूट्रल फेज के अंदर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। तो ये अपनी नॉर्मल न्यूट्रल फेज के अंदर है, यहाँ पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो। जब ये यहाँ पर कंबाइन हो गया Cl के साथ में तो मेटल है, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज देखकर समझ जाना है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है वहाँ पर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल हमेशा ध्यान रखो आप दिमाग में, ऑयल और ये रिग, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में एनोड को लिखना है, मतलब ऑक्सीडेशन वाले टर्म्स को है वो लेकर आना है यहाँ पर। इसके लिए ऑक्सीडेशन मैंने नीचे लिख दिया और इसके लिए रिडक्शन हो गया। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है Fe Cl2, फिर आ गया सॉल्ट ब्रिज, फिर ये नेक्स्ट कंपार्टमेंट आ गया जिसमें SnCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SN में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो Fe+2 आ गया। +2 कैसे आया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एटलीस्ट इतना तो आपको पता होगा, यहाँ पर SnCl2 यहाँ पर SN के अंदर जा रहा है, इसका मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन जो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या कर लेगा, गेन है वो कर लेगा। टोटल वहाँ पर जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन है वो रहनी चाहिए वहाँ पर, तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि +3 लगा कर आ जाओ या कुछ और यहाँ पर लिख कर आ जाओ, चार्ज हमेशा आपको सही है वो लगाने हैं। तो SN+2 है वो कन्वर्ट हो गया SN के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, प्रेजेंटेशन है वो रेडी कर लिया। अब इसके बाद में जब हमें ये चीज़ पता चल गई तो अब हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इजीली अगर आपसे वहाँ पर सेल पोटेंशियल जो है वो पूछा जाए या E0 है वो पूछा जाए कि कैसे फाइंड करना है, तो अब ये चीज़ अगर पता है तो अब वहाँ पर कैथोड एनोड जब पता चल गए तो आप आगे वाले क्वेश्चन से वो बहुत इजी तरीके से है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं कैथोड और एनोड वाले, जिनसे हमें E0 है वो फाइंड करने को पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन भी अब हम देख लेते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है वो। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें E0 फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड है वो कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसके लिए आपको वैल्यूज़ है वो रटने की जरूरत नहीं है और वहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगी वो वैल्यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, तो हमें तो सिर्फ फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए और साथ ही साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि भाई कैथोड किस तरफ होता है, एनोड किस तरफ होता है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर ये सेक्शन हो गया हमारा एनोडिक वाला हाफ सेल और ये हो गया हमारा कैथोडिक हाफ सेल। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब हम फॉर्मूला अगर लगाएं, E0 सेल इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला क्या लर्न किया था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो बस ये फॉर्मूला अगर हमको सही पता है तो फिर हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर है वो फाइंड है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखनी कि अगर हम ई सेल फाइंड कर रहे हैं वहां पर, तो अगर वहां पर जो अगर आपको वैल्यू है
वो अगर वहाँ पर पॉजिटिव में नहीं मिलकर अगर नेगेटिव में मिलती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी, साइमल्टेनियसली वो रिएक्शन है वो नहीं होगी। आपको अगर आप कुछ स्पेशल कंडीशन है, बाहर से फोर्स है वो लगाओगे तभी वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो ई नॉट सेल है या जो ई सेल है जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, वो अगर हमें पॉजिटिव मिलता है तभी वो रिएक्शन है वो पॉसिबल होगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर ई सेल है वो पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिव मिल रहा है और आपसे पूछा जाए कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, तो आप देखते ही समझ जाना वहां पर अगर नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब यहाँ पर जैसे E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड यहाँ पर दे रखा है, अब हमें खुद समझना है कि भाई कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो जिंक है वो जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। Cu प्लस टू कन्वर्ट हो रहा है Cu के अंदर, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर रहा है। तो जहाँ पर गेनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब वो किस पर होगा, कैथोड पर होगा। तो ये सेक्शन हमारा जो राइट साइड के अंदर है वो क्या हो गया, वहाँ पर कैथोड हो गया। कैथोड के लिए वैल्यू है वो दे रखी है यहाँ पर 0.35 वोल्ट है वो दे रखा है। अब वहाँ पर एनोड की वैल्यू, मतलब जिंक वाला जो सेक्शन है एनोड वाला, वो दे रखी है वहाँ पर -0.76 वोल्ट है वो दे रखा है। तो हमने ब्रैकेट के अंदर वहाँ पर लिखा 0.76, माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0.76 किया हमने और आंसर हमको मिल जाएगा 1.13 वोल्ट है वो आंसर है वो पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डैनियल सेल जिसको हम कहते हैं, तो उससे हमें जो वहाँ पर जो ई नॉट है वो मिलता है, वो मिलता है हम मतलब इसको जो नेक्स्ट वाले अगर इनको नहीं बोले तो हम कितना बोलेंगे 1.1 वोल्ट है वो हमको मिलता है, मतलब इतना करंट है वो जनरेट हो रहा है वहाँ पर डैनियल सेल से। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें जो यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा, एक सिंपल सी रिएक्शन है वो हमको दे रखी है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम खुद बना सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अब अगर हम बनाकर देखें यहाँ पर, तो 2Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है, और Cd है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cd+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो हमें पता है कि भाई हमने एनोड वाला सेक्शन है वो आगे रखना है और वो लेफ्ट साइड में रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cd मतलब कैडमियम फेस बाउंड्री, Cd प्लस में प्लस टू में कन्वर्ट हुआ, देन आ गया सॉल्ट ब्रिज। रिएक्शन है वो कैसे भी कंफ्यूज करने के लिए आपको कैसे भी दी जा सकती है, पर हमें वहाँ पर पता लगाना है कि भी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन है वो हो रहा है। तो ये हमें देखते ही पता चल गया भाई ये प्लस टू में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आने लग जाएगा। वैसे तो बहुत बार आपको बता चुकी हूँ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर Ag+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag के अंदर है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। तो 2Ag+, फिर आ गया बाउंड्री फेज और फिर आ गया यहाँ पर 2Ag। तो मतलब इसने टोटल दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ पर दो सिल्वर के आयंस थे अलग अलग, उन्होंने दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो किस में रिड्यूस हो गया, सिल्वर के अंदर रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा एनोड और ये हो गया कैथोड। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ पर एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो फॉर्मूला हम अगर लगाएंगे तो E नॉट सेल, फॉर्मूला लगाना मत भूलना, फॉर्मूला हमें हर बार लगाना है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 0.80, फिर माइनस हमने यहाँ पर लिखा 0.40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है वो हो जाएगा, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 1.12 वोल्ट है वो मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, सॉरी 1.2 होगा, 1.2 वोल्ट आएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। तो 1.2 वोल्ट है वो हमको यहाँ पर आंसर है वो मिल जाएगा। तो एक और टाइप है वो हमने देख लिया यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर E नॉट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा जो मैंने चीज़ आपको बताई वो जरूर ध्यान रखना है कि E नॉट की वैल्यू है वो पॉजिटिव है वो मिलनी चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस है वो रिएक्शन है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर
एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो दे रखी है, तो वो आप किस तरीके से इजी वे में लर्न कर सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कहाँ पर कितना रिएक्टिव होगा, किसकी वैल्यू अगर वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में दे रखी है तो आप इजीली पता, मतलब सिर्फ वैल्यूज देकर पता लगा सकते हो कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा।